बात करेंगे यहाँ से मसालों की। तो जैसे अब ये धनिया हो गया 12,500 के ऊपर है, हरे निशान पर है, सवाई खिजी की तेज़ी है। जीरा हो गया 22,500 के ऊपर है, और हल्दी ने 10,000 का लेवल भी टच किया था, लेकिन फिर वहाँ से जो कीमतें हैं टिक नहीं पाई, 9,400 9,500 की रेंज में आ गई। अभी जो मसाले हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडियर एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी, उनका ये मानना है कि मसालों में अभी ये शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है, निचले स्तरों से महज एक खरीदारी देखने को मिल रही है। नो डाउट कि मसालों के जो फंडामेंटल्स हैं, स्पाइसेस के जो फंडामेंटल्स हैं, कुल मिलाकर तेजी की ही हो रहे हैं। लंबी अवधि में हल्दी की जो कीमतें हैं उनमें तेज़ी का ही रुझान है। धनिया और जीरे के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। दोनों की बुआई इस बार कम हुई है, कम देखने को मिली थी, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी कम ही रहने वाला है। थोड़ा बीच में अराइवल प्रेशर बना था, जिसकी वजह से हमने कीमतें एक रेंज में आते हुए देखी थी, कंसोलिडेशन मोड देखने को मिला था। लेकिन अभी भी जो ये जो एक रेंज देखने को मिल रही है मसालों के अंदर, वो भी एक महज एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। अजय केडिया के अनुसार अभी मसालों में थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। अभी यहाँ से हल्की सी यहाँ से मसालों में करेक्शन बनती नज़र आ सकती है, अब कितनी जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन मसालों में अभी यहाँ से करेक्शन बनती नज़र आ सकती है, तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये भी बताया कि मसालों में जो असली तेज़ी आएगी और जो शानदार तेज़ी आएगी वो जून जुलाई और अगस्त, इन तीन महीनों में देखने को मिलेगी, तो तब मसालों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी अभी जो देखने को मिल रही है ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, इसमें थोड़ा सावधान रह के ट्रेड करने की जरूरत है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।